अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। नाज़रीन, मेडिकल साइंस ने इतनी तरक्की की है कि जो इलाज पहले मुमकिन नहीं होते थे कई साल पहले, आजकल अल्लाह की मेहरबानी से और मेडिकल साइंस ने की तरक्की की वजह से वो मुमकिन हो सके हैं। कोई ज़माना होता था तो लोगों को कोई बीमारी होती थी, ब्लड प्रेशर होता था, तो उसके बाद सिर्फ ECG का एक निज़ाम था, ECG में पता चलता था, डॉक्टर बोल देते थे कि जी भी आपको कुछ है या नहीं है। आहिस्ता आहिस्ता मेडिकल साइंस ने तरक्की की, फिर एंजियोग्राफी हुई, एंजियोप्लास्टी हुई, बाईपास के लिए सुनते थे लोग तो लंदन जाते थे, बाहर जाते थे, और एंजियोप्लास्टी के लिए भी। लेकिन अब अल्लाह की मेहरबानी से सारी चीज़ें हमारे मुल्क में, हमारे सूबे में आ गई हैं और लोगों का 15 मिनट से भी कम टाइम में उनका एंजियोप्लास्टी भी हो जाती है। एंजियोग्राफी पहले करते हैं, फिर एंजियोप्लास्टी हो जाती है। नाज़रीन, मुख्तलिफ डॉक्टर्स ने इस फील्ड में काम किया है, जो उन्होंने अपना नाम कमाया है, पाकिस्तान को दुनिया में रोशन किया है। उनमें से एक नाम डॉक्टर मोहम्मद काशिफ शेख साहब का भी है, जिन्होंने अपने थोड़े ही अरसे में अपने आप को मनवाया है। उन्होंने हैदराबाद में सिविल हॉस्पिटल हैदराबाद के हेड ऑफ डिपार्टमेंट कार्डियोलॉजी के, और उन्होंने थोड़े ही अरसे में इतनी एंजियोप्लास्टीज की हैं और इतने फ्री में काम किया है, लोगों को, गरीबों के लिए काम किया है कि हमारा सर फख्र से बुलंद हो जाता है। आज हम आपको उस शख्सियत से मिलाते हैं। डॉक्टर मोहम्मद काशिफ साहब, थैंक यू वेरी मच आप हमारे प्रोग्राम में आए, और मैं आपका शुक्रगुजार हूं कि आपने टाइम निकाला। पहले तो आप अपने बारे में थोड़ा सा बताएं कि आपने बचपन कहां से शुरू किया, आपने इस फील्ड में फिर कैसे आए, ज़रा आवाम हमारे नाज़रीन को कुछ बताएं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया भट्टी साहब कि आपने मुझे मौका दिया यहाँ पर आज। और बुनियादी तौर पे तो मेरा ताल्लुक एक छोटे से गांव, उस वक्त अब तो शहर बन गया है माशाल्लाह, गंबट से है। पैदाइश मेरी हैदराबाद की है और मेरी इब्तदाई तालीम, शुरुआती तालीम भी हैदराबाद से ही है। पब्लिक स्कूल हैदराबाद से मैंने इंटर किया था और इंटर में मैं अल्हम्दुलिल्लाह पोजीशन होल्डर था, माशाल्लाह गोल्ड मेडलिस्ट था। इंटर करने के बाद फिर लियाकत यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल जो अभी है, उस वक्त लियाकत मेडिकल कॉलेज होता था सिंध यूनिवर्सिटी के रिकग्निशन में, वहाँ से मैंने MBBS किया। MBBS करने के बाद फिर मज़ीद FCPS और MCPS मेडिसन की जो मेरी ट्रेनिंग है वो कुछ अरसा लियाकत यूनिवर्सिटी की, और कुछ उसमें जो है कराची की जिन्ना मेडिकल जो अभी यूनिवर्सिटी है हमारी वहाँ की है। और FCPS मेडिसन करने के बाद जो है फिर मैंने ज्वाइन किया तब्बा हार्ट इंस्टीट्यूट जो है हमारा कराची के अंदर, वहाँ पे मैंने FCPS कार्डियोलॉजी की ट्रेनिंग की। और जैसे आपने बताया कि एडवांसमेंट मेडिकल फील्ड में इतनी ज़्यादा आती जा रही है कि आप जब एक सब्जेक्ट में फेलोशिप करते हैं तो आपको लगता है कि ये अभी ना काफ़ी है, तो फिर मेडिसन के बाद एडल्ट कार्डियोलॉजी, और फिर कार्डियोलॉजी के बाद जो है वहीं से तब्बा में ही मैंने इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजी, जिसको आम जबान में जैसे हम ये एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी और आजकल और बहुत सारे इलाज हैं जो बग़ैर ओपन हार्ट सर्जरी के किए जाते हैं दिल के, तो उसकी इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजी की जो है फिर मैंने ट्रेनिंग हासिल की तब्बा से ही। और उसके बाद चूँकि मेरा ताल्लुक हैदराबाद से था तो फिर वापस मैं हैदराबाद आया। हैदराबाद में मैंने इसरा यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल एज ए डिपार्टमेंट ऑफ जो इंटरनेशनल कार्डियोलॉजी है उसके हेड के तौर पे ज्वाइन किया। इसरा के बाद कुछ अरसा मैंने जो बहरिया इंटरनेशनल हॉस्पिटल है वहाँ पे भी मैं पायनियर था कि वहाँ पे कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट मैंने डेवलप किया वहाँ पे 1.5 साल। और फिर दोबारा जो मेरा मदर इंस्टीट्यूट था लियाकत यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल जो है वहाँ से मुझे कॉन्टेक्ट किया गया कि भाई आप, क्योंकि हैदराबाद के भी हैं और मामलात भी कुछ ऐसे थे, तो फिर मैंने लियाकत यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल जो तकरीबन अभी मुझे 1.5 साल हुआ है, लियाकत यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल एज ए इंचार्ज इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजी जो डिपार्टमेंट है उसको हमने वहाँ पे स्टार्ट किया है। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है कि हमने ज़ीरो से स्टार्ट किया है। किसी वक्त में वहाँ पे एंजियोप्लास्टी होती थी लियाकत यूनिवर्सिटी में, लेकिन काफ़ी सालों से वहाँ पे वो डिपार्टमेंट बंद हो गया था, तो हमने पिछले साल जो है कोविड का टाइम था, मुश्किल टाइम था, लेकिन ये कि हमने वहाँ पे स्क्रैच से ज़ीरो से हमने वहाँ पे सिस्टम को स्टार्ट किया है। पहले इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजी यूनिट में मैं एक लास्ट ईयर वाहिद एम्प्लॉई था
अच्छा जो अपॉइंट हुआ था, और अल्हम्दुलिल्लाह अभी हम तकरीबन 70 के करीब जो है हम स्टाफ हैं जो हमने एक साल के अंदर वहाँ पे कुछ हमारे पास यूनिवर्सिटी की तरफ से हैं, कुछ सिंध गवर्नमेंट की तरफ से हैं, और कुछ हमने अपनी मदद आपके तहत जो है सेल्फ सफिशिएंसी के तौर पे जो है हमने वहाँ पे सिस्टम डेवलप किया है। और वहाँ पे हमने पिछले ये जो 1.5 साल गुजरा है इसके दौरान तकरीबन हमने 600 से 700 के करीब जो है हमने केसेस वहाँ पे एंजियोप्लास्टी के हमने सक्सेसफुली वहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह किए हैं। आप ये बताएं कि ये जब आदमी को ब्लड प्रेशर होता था या होता है तो उसकी ईसीजी निकालते हैं, ईसीजी में क्या पता चलता है, और उसके बाद ये एंजियोग्राफी की ज़रूरत कब पेश आती है और क्यों पेश आती है, उसके बाद क्या आप डिसाइड करते हैं कि बाईपास होगा या एंजियोप्लास्टी, ये हमारे नाज़रीन के लिए ज़रा बताएं। देखिए इसमें कुछ चीज़ें बुनियादी तौर पर समझने की हैं। देखिए सबसे पहली और अहम चीज़ क्या होती है, सबसे पहली और अहम चीज़ ये होती है कि कोई भी मरीज़ किसी भी डॉक्टर के पास किसी न किसी अलामत आने की शक्ल में जाता है। बिल्कुल, यानि हमारे पास जैसे सबसे कॉमन अगर हम अलामत कहें जैसे सीने का दर्द, आम तौर पे सीने के दर्द की और बहुत सारी वजूहत भी हो सकती हैं, ठीक है, दिल के आर्जे के अलावा, लेकिन होता क्या है कि चूंकि दिल की बीमारी एक जानलेवा बीमारी है तो कोई भी आम आदमी लाजमी बात है इसको सीरियस लेता है। बिल्कुल, तो चाहे उसको सीने का दर्द जो है वो दिल की वजह से ना भी हो रहा हो, फिर भी जो है वो क्या कोशिश करता है कि पहले तो वो दिल के डॉक्टर के पास जाए ताकि वो अपनी इस चीज को क्लियर करे कि क्या है क्या है, क्योंकि उसको उस चीज का डर ज्यादा होता है। तो मेरे बताने का मकसद था कि सबसे अहम चीज जो है वो है अलामत, कि वो अलामत सिम्टम्स निशानियां, ठीक है ना, जो तकलीफ मरीज को होती है। अब कभी कभी तो हमारे मरीजों के अंदर जो दिल की बीमारी की जो अलामतें हैं जिसको हम आम फहम जबान में एंजाइना कहते हैं या हम अपनी मेडिकल टर्मिनोलॉजी में एंजाइना करते हैं और आम फहम जबान में इसको दिल का दर्द या सीने का दर्द जो है वो कहते हैं। आम तौर पे अगर एक मरीज़ है जो कि पैदल चलने पे कोई एक्टिविटी करने पे फिजिकल एक्टिविटी करने पे अगर किसी को सीने में दर्द बोझ भारीपन या दबाव महसूस हो रहा हो जो कि बाजू में इस तरफ या इस तरफ जा रहा हो गर्दन में, तो ये कुछ क्लियर निशानियां होती हैं एंजाइना की। तो अगर तो हमें कभी कभी तो ऐसा होता है कि हमें क्लिनिकल ग्राउंड्स के ऊपर हम असेसमेंट करते हैं और वाजे तौर पे अगर किसी को इस किस्म की निशानियां होती हैं तो लाजमी और वो इस शिद्दत की होती हैं कि हमें लगता है कि ये कोई क्रिटिकल अंदर प्रॉब्लम है, तो हम वहाँ पे लाजमी बात है कि उनको सीधा सीधा मशवरा एंजियोग्राफी का देते हैं। कभी कभार क्या होता है कि अलामतें बहुत ज़्यादा शदीद नोयत की नहीं होती हैं या ऐसा होता है कि जो मरीज़ हैं उनकी अलामतें वाजे नहीं होती हैं जिनको मज़ीद हमें वाजे करना पड़ता है, तो उसके लिए फिर हमारे पास एक बेसिक इन्वेस्टिगेशन का तरीक़ेकार है, जैसे कि आपने कहा कि एक बेसलाइन टेस्ट है कि हम ECG करते हैं, बेसलाइन इको करते हैं, और उसके अलावा मज़ीद हमारे पास कुछ स्ट्रेस टेस्ट होते हैं जैसे ETT होता है, एक्सरसाइज टॉलरेंस टेस्ट, जिसमें हम ECG एक्सरसाइज की मॉनिटरिंग साथ करते हैं, और उसके साथ स्ट्रेस इको होता है जिसमें हम इको जो है स्ट्रेस के साथ करते हैं, और स्ट्रेस फिर एक्सरसाइज के ज़रिए भी होता है, वरना हम कुछ ऐसी दवाएं देते हैं जिससे दिल की धड़कन को तेज़ करके दिल को स्ट्रेस दिया जाता है, और उसमें फिर हम ECG के साथ साथ उनका इको करके दिल की जो पट्टे हैं उनकी तस्वीरें लेते हैं और उसको हम स्टेप वाइज चेक कर रहे होते हैं। हम आहिस्ता आहिस्ता डोज बढ़ाते जाते हैं और मल्टीपल टाइम इको रिकॉर्ड करते जाते हैं और ये देखते हैं कि हायर डोज के ऊपर हायर स्ट्रेस के ऊपर दिल के ऊपर उसके क्या असरात आ रहे हैं। तो अगर तो कहीं कुछ ब्लॉकेज या ऐसे मामलात होते हैं तो वो चीज़ वहाँ पर वाजे हो जाती है। ठीक उसी तरीके से थैलियम स्कैन का टेस्ट होता है, तो ये मुख्तलिफ टेस्ट होते हैं। कहीं कहीं पर हम जैसे डायरेक्ट एंजियोग्राफी नहीं करते हैं, स्ट्रेस नहीं करते हैं, तो कुछ मज़ीद जैसे एक CT एंजियोग्राफी के है तो एंजियोग्राफी लेकिन वो CT स्कैन के ज़रिए होती है, बाहर बाहर से होती है, उसमें जो कन्वेंशनल एंजियोग्राफी है जो रूटीन एंजियोग्राफी होती है उसमें हमें अंदर जाके और दिल की तस्वीरें लेनी पड़ती है, इन्वेसिव प्रोसीजर है। अच्छा, उसके बाद जब आपको एंजियोग्राफी में पता चल जाता है जी सर कि इनको
दिल की तकलीफ है या शरियाने बंद हैं, तो उसमें फिर बाईपास और एंजियोप्लास्टी में क्या फ़र्क है? इसमें सर मुख्तलिफ चीज़ें हैं, जैसे कि मैंने बताया कि जैसे तकलीफ़ की शिद्दत होती है ना, तो तकलीफ़ की शिद्दत भी आम तौर पर अंदर जो ब्लॉकेज की शिद्दत है, नंबर एक कि ब्लॉकेज कितनी क्रिटिकल है, जो दिल की शरियाने हैं हमारे उसके अंदर जो ब्लॉकेज है वो कितनी क्रिटिकल है, और ब्लॉकेज कितनी शरियानों के अंदर कितनी जगह पर है। यानी आम तौर पे हमारे दिल के अंदर एक मेन और तीन बड़ी शरियाने होती हैं। बिल्कुल ठीक है ना। तो जितनी ब्लॉकेज ज़्यादा होगी, जैसे अगर मेन शरियान जिसको हम लेफ्ट मेन कहते हैं उसके अंदर, या दो या तीन शरियानों में जितनी ब्लॉकेज ज़्यादा होगी उतना उस मरीज के लिए बाईपास का इलाज बेहतर रहता है, बनिस्बत उसके कि अगर ब्लॉकेज एक शरियान में है, दो शरियान में है, एक दो जगह पर है, तो वहाँ पे एंजियोप्लास्टी का इलाज बेहतर। लेकिन अब जैसे जैसे टाइम गुजरता जा रहा है, एडवांसमेंट टेक्नोलॉजी की बढ़ती जा रही है, पहले जब शुरुआत के दौर में एंजियोप्लास्टी हुई तो सिर्फ बलून के साथ होती थी। सही। बलून के साथ एंजियोप्लास्टी में क्या होता था कि ब्लॉकेज को बलून के प्रेशर से खोला जाता था, उसमें दोबारा ब्लॉकेज आने का जो समझें कि रेशो या रिस्क होता था, चांस होता था, वो ज़्यादा होता था कि अगले 3 से 6 महीनों में ब्लॉकेज दोबारा आ जाती थी। अच्छा। फिर दौर आया कि भाई स्टेंट जिसको हम बेसिकली स्टील और मेटल का एक जाली नुमा नाली होती है जो कि हम ब्लॉकेज की जगह पे बलून के जरिए फिक्स करते हैं, तो वो फिर बेयर मेटल कहते थे, यानी वो एक सिंपल मेटल का जाली होती थी। अच्छा। उससे क्या हुआ कि जो दोबारा ब्लॉकेज का रिस्क था वो थोड़ा कम हो गया। फिर मजीद एडवांसमेंट आई, एंजियोप्लास्टी फर्दर, उसके अंदर इस किस्म के स्टेंट आए गए जिसके ऊपर उन्होंने मेडिसिन या दवाई कोटेड थे, जिनको हम ड्रग कोटेड स्टेंट कहते हैं। बगैर दवाई वाले को हम बेयर मेटल स्टेंट कहते हैं और इसको ड्रग कोटेड स्टेंट कहते हैं, यानी स्टेंट के ऊपर दवाई लगाई गई ताकि उसके अंदर ब्लॉकेज दोबारा कम से कम आए। यानी बलून से अगर आप करते हैं तो 40% चांस होता है कि दोबारा उसके अंदर ब्लॉकेज आ जाए, जो ड्रग कोटेड स्टेंट है तो उससे वो रिस्क कम होकर 5% तक आ गया। अच्छा, वेरी गुड। ठीक है ना। तो अब यहाँ पे ये चीजें जो है टेक्नोलॉजी की वजह से, अब बहुत सारे ऐसे केसेस भी हैं जहां मुख्तलिफ किस्म की ब्लॉकेजेस हैं, मल्टीपल ब्लॉकेजेस हैं, और मल्टीपल ब्लॉकेजेस के अलावा मेन शरियानों के अंदर भी अगर ब्लॉकेजेस हैं तो वहां बाईपास के साथ साथ एंजियोप्लास्टी भी हो सकती है। एक जो दूसरा मामला है जो कि एक ख़ास जिसको हम कहें कि जो फील्ड अब तो क्या हो गया कि हमारी इंटरवेंशन के अंदर भी सब स्पेशलिटीज़ आ गई, यानी एंजियोप्लास्टी के भी कुछ लोग हैं जो कि स्पेशलाइज्ड और एक्सपर्ट हैं किसी खास एंजियोप्लास्टी के तरीकेकार के। अच्छा। हाँ, इसमें भी कंपोनेंट आ गए, इसके अंदर भी कंपोनेंट आ गए। जैसे कुछ शरियाने हैं जो पुरानी बंद है जिनको हम CTO कहते हैं, यानि वो महीनों से या सालों से बंद है। पहले ज़माने में वो शरियाने खोलना मुश्किल होता था, अब और ऐसे मरीजों में बाईपास करवाना लाजमी हो जाता था। अच्छा। अब क्या हो गया है कि हम वो शरियाने भी मुख्तलिफ, हमारे पास किस्म की वायर्स जो तार होते हैं वो आ गए हैं, इक्विपमेंट आ गए हैं, बलून आ गए हैं, और उन टेक्निक्स के जरिए, मेथड्स के जरिए हम 100% बंद शरियाने जो महीनों और सालों से बंद हैं उनको भी अब खोल सकते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, ये माशाल्लाह आपने बड़ा तफसील से हमारे नाजरीन को ये एंजियोप्लास्टी के हवाले से बताया। आपके पास सिविल अस्पताल हैदराबाद में किस किस्म के एंजियोप्लास्टी है? ये जो एंजियोप्लास्टी होती है वो नॉर्मल एंजियोप्लास्टी होती है या उसमें भी कहीं क्रिटिकल कोई चीज़ें आप देखते हैं? हमारे पास इस वक्त जैसे कि मैंने बताया कि हम एक अभी हमें सिस्टम को वहाँ डेवलप किए हुए तकरीबन 1 से 1.5 साल ही हुआ है, तो शुरुआत में तो वहाँ पे हम इमरजेंसी केसेस वगैरह नहीं कर रहे थे क्योंकि हम सिस्टम डेवलपमेंट में थे, हमारे पास स्टाफ की कमी थी। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त हम इमरजेंसी एंजियोप्लास्टी प्रोसीजर्स जो होते हैं, जो लाइफ थ्रेटनिंग होते हैं, जो हार्ट अटैक, जैसे आपको पता है कि प्राइमरी PCI के नाम से जो काफ़ी इस वक्त तकरीबन आम तौर पे सारे लोग ही जानते हैं कि अगर किसी को एकदम से हार्ट अटैक हो जाए, उसकी शरियान अचानक से बंद हो जाए, तो हम प्राइमरी एंजियोप्लास्टी भी अभी हम कर रहे हैं। इलेक्टिव प्रोसीजर्स में जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो
मल्टीपल लीजन्स हैं उनको भी कर रहे हैं, साथ में जो कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर्स हैं वो भी हम अल्हम्दुलिल्लाह। ये सब फ्री ऑफ कॉस्ट है वहाँ पे? तकरीबन ऑलमोस्ट फ्री ऑफ कॉस्ट है। कुछ अगर अफोर्डिंग पेशेंट्स हैं तो हम उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि सिस्टम चलाने के लिए अगर हम डोनेशंस वगैरह में अगर हमारी सपोर्ट करें। एक एंजियोप्लास्टी पे नॉर्मल वैसे कितना खर्च आता है सर? एक आम एंजियोप्लास्टी जिसमें कम से कम अगर सपोज करें कि अगर एक स्टेंट अगर इस्तेमाल होता है तो उसमें तकरीबन सामान का खर्चा तकरीबन 2 लाख के करीब तक। 2 लाख रुपए एक स्टेंट लगाने के सामान के। प्राइवेट सेक्टर में अगर आप जाएं तो वहाँ 3 से 4 लाख तक खर्चा आ जाता है। इतना महंगा है और उसके बावजूद भी माशाल्लाह आपने सिविल अस्पताल हैदराबाद में इसको सेटअप करवाया के एक बड़ा एक वो काम किया है अल्हम्दुलिल्लाह। डॉक्टर साहब थैंक यू वेरी मच, मुझे बड़ी खुशी हुई कि आपने बताया, और मुझे ये भी पता है कि आप एक सोशल इदारा भी चला रहे हैं MKS के नाम से। अगली दफ़ा इंशाल्लाह हम उस पर बात करेंगे तफसील से, आवाम को आप खुशखबरी देंगे। अभी हमने आपका पहला हिस्सा आवाम को दिखाया है कि आप इतने ही वहाँ काम कर रहे हैं, अल्लाह ताला आपको उसका अजर देगा। थैंक वंस अगेन, थैंक यू वेरी मच। नाज़रीन आपने डॉक्टर काशिफ साहब की बातें सुनी और देखा कि कितना तेज़ी से यह मर्ज़ बढ़ रहा है। लेकिन पहले जो चीज़ बड़ी मुश्किल होती थी, बड़ा प्रॉब्लम होते थे, लोग परेशान हो जाते थे कि भाई मुझे दिल का है, दौरा पड़ गया है या ये हो गया है, तो लंदन और अमेरिका इधर लोग जाते थे। अब अल्लाह की मेहरबानी से डरने की ज़रूरत नहीं है, ज़िंदगी मौत अल्लाह के इख्तियार में है। लेकिन सारी एहतियाती तदाबीर फैसिलिटीज़ पाकिस्तान में आ गई हैं, सिंध में आ गई हैं, और हैदराबाद में जहाँ डॉक्टर काशिफ ये काम कर रहे हैं वहाँ पे भी आप जा सकते हैं, वहाँ अपने इलाज करा सकते हैं फ्री ऑफ कास्ट। अगर आप अफोर्ड नहीं कर सकते तो वहाँ आपका फ्री ऑफ कास्ट इलाज होगा, और अगर आप कुछ वो हैं उस लेवल के हैं तो दूसरे गरीबों के लिए आप डोनेशन दे सकते हैं, अतियात जमा करा सकते हैं ताकि लोग आपके उस डोनेशन से किसी और की ज़िंदगी बच जाए। तो इसी के बाद हम आपसे भी इजाज़त चाहते हैं इंशाल्लाह अगले हफ्ते, और किसी और टॉपिक पे हम आपसे बात करेंगे। अपने मेज़बान असदुल्ला भट्टी को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।